उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और हरिद्वार से मौजूदा सांसद और हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक लखनऊ पहुंचे, जहां के न्यूज विशेष संवाददाता स्निग्धा रितेश ने उनसे पलायन, परिसंपत्ति विवाद और विकास कार्यों को लेकर खास बातचीत की। इस दौरान रमेश पोखरियाल निशंक ने बड़ी ही बेबाकी से के न्यूज के सवालों का जवाब दिया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और हरिद्वार के लोकसभा सीट से प्रत्याशी के तौर पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कितनी चुनौती आप मानते हैं अपने लिए वहां पर हरिद्वार में? नहीं, हरिद्वार में तो हमारे सामने कोई चुनौती है ही नहीं है। हरिद्वार तो पहले भी मेरी सीट में 2.25 लाख से भी अधिक मतों से वहां जीता हूं। तब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे और उन्हीं की सीट थी हरिद्वार, और उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा। वहाँ भी उनकी सरकार थी और दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, तो ऐसे वक्त पर भी 2.25 लाख से भी अधिक मतों से मैं जीता हूँ। अब तो 5 साल में मैं हरिद्वार के घर घर तक पहुँचा हूँ, और जो 50 साल में हरिद्वार लोकसभा में नहीं हो सका वो मैंने 5 साल में करके दिखाया है। कांग्रेस न खड़ी है न बैठी है, लेटी भी दिखाई नहीं दे रही है। तो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस से मेरे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, कहीं भी कांग्रेस तो दूर दूर तक दिखती भी नहीं है। पलायन का मुद्दा बार बार वहां पर उठता है, क्या लगता है कितना, किस हद तक आप उसको सुलझा पाए? राज्य बनने से पहले और आज वहां जमीन और आसमान का अंतर है। पलायन जिसको लोग कहते पलायन, मैं ये समझता हूं कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसने प्रतिभाओं का निर्यात किया है। आज उत्तराखंड में केवल इस देश के कोने कोने में नहीं, बल्कि दुनिया का कोई भी देश आप उठा करके देखेंगे तो उस क्षेत्र में उत्तराखंड का नौजवान महत्वपूर्ण स्थान पर अपनी उपस्थिति को दर्ज करता है। आखिरी सवाल है, आप उत्तर प्रदेश आए हैं, लखनऊ आए हैं, अगले चरण में लखनऊ में भी चुनाव है, गठबंधन कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं बीजेपी के लिए? मैं उत्तर प्रदेश में 2 बार कैबिनेट मंत्री रहा हूं। कल्याण सिंह जी के साथ मैं उत्तर प्रदेश का पर्वतीय विकास मंत्री रहा हूं, और राम प्रकाश गुप्त जी के साथ मैं उत्तर प्रदेश के संस्कृति मंत्री रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के मानस को बहुत नीचे तक जानता हूँ, और संगठन में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ उत्तर प्रदेश की परिस्थिति और मनस्थिति दोनों। ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन कोई मानता है इसको? तो ये जो ये यात्रा है, ये कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनवा जोड़ा, ये कुनवा रहने वाला है क्या? लोगों ने उसको ध्वस्त कर दिया। पता चल जाएगा इस चुनाव में जितना पहले हम जीते हैं उससे भी ज्यादा ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में हम जीतेंगे। उत्तराखंड की तो 5 की 5 सीटें बहुत खूबसूरत तरीके से पहले से भी कई ज्यादा मार्जिन के साथ हम जीतेंगे, और उत्तर प्रदेश में भी उससे ज्यादा हम जीतेंगे, ये मेरा भरोसा है। के न्यूज से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर इनका कहना है कि उत्तराखंड में भी सभी सीटों पर ये जीतेंगे। बीजेपी ने जिस तरीके से वहां पे चाहे धार्मिक स्थलों या पलायन को रोकने के लिए जो भी कार्य किए हैं उसके बलबूते पे बीजेपी वहां पर परचम लहराएगी, और उत्तर प्रदेश में गठबंधन जो है कोई भी चुनौती नहीं मान रहे हैं, और स्वार्थ का साफ तौर पर गठबंधन बताया जा रहा है। कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ स्निग्धा रितेश, के न्यूज लखनऊ।